मेरे प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल इंग्लिश कॉटेज पे और मैं अविनाश मेहता आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। आज हम लोग करने जा रहे हैं इस वीडियो में दूसरा पार्ट पद का, जो कि तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है आपके दिगंत भाग टू का तीसरा चैप्टर। इसका पहला भाग हमने बना दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को भी ओपन करके वहाँ से आप देख सकते हैं, बिहार बोर्ड क्लास ट्वेल्थ हिंदी वाले प्लेलिस्ट से। तो दूसरा पद शुरू करते हैं। द्वार हो भोर ही को आजू, रटत रिहा अरी और न कौर ही ते काजू। तो इसमें तुलसीदास जी कहते हैं अपने दुख को, अपने दीनता को, अपने असहाय हालत को बताते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपके द्वार पर आज सुबह से ही, भोर से ही, मतलब सुबह से ही आपके द्वार पर मैं आया हुआ हूँ, बैठा हुआ हूँ। मैं रट लगा रहा हूँ आपके नाम का, रटत यानी कि आपके नाम का रट लगा रहा हूँ, आपका नाम जप रहा हूँ, रिरिहा रहा हूँ। रिरिहा का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाना, मैं आपके आगे गिड़गिड़ा रहा हूँ, बारंबार आपका नाम रट रहा हूँ। और मेरी जिद बस इतना है प्रभु कि आप बस अपने दया का पात्र मुझे बना लीजिए, अपने दया का एक और एक हिस्सा मुझे दे दीजिए, मेरे पे थोड़ा सा दया कीजिए, बस मेरी इतनी इच्छा है, इतनी सी जिद है। अरी का मतलब जिद होता है और कौर का मतलब होता है निवाला, जो हम खाना खाते हैं ना उसको कौर कहते हैं, निवाला कहते हैं। और काजू का मतलब हो गया या दया, तो वो प्रभु से, श्री राम से उनके दया का एक छोटा सा कौर मांग रहे हैं, छोटा सा हिस्सा मांग रहे हैं कि आपके मन में जो दया है उसका थोड़ा सा हिस्सा मुझे दे दीजिए, बस मेरी इतनी सी जिद है, मैं इसीलिए आपके द्वार पर सुबह से, भोर से ही आकर के बैठा हुआ हूँ, हाजिरी दे रहा हूँ। तो आई होप प्यारे बच्चों ये समझ गए आप लोग। हम लोग आते हैं अब दूसरे इसके लाइन्स पे। कली कराल दुकाल दारुण, सब कुंभाती कुसाजू, नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में की खाजू। अब आगे यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इस कली में, कली का मतलब यहाँ पे कलयुग से है, इस कलयुग में बहुत ही कराल यानी कि बहुत ही भीषण, बहुत ही बुरा समय। दुकाल का मतलब हो गया, काल का मतलब समय होता है, दुकाल का मतलब बुरा समय। तो इस कलयुग में बहुत ही भीषण बुरा समय आ गया है और बहुत ही भयानक स्थिति आ गई है। तो दारुण का मतलब हो गया भयानक स्थिति। और आगे वो कह रहे हैं कि सब कुंभाती कुसाजू, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है, कुसाजू हो गया है, अस्त व्यस्त हो गया है, कुछ नहीं बचा हुआ है यहाँ पे। तो कुंभाती का मतलब बुरी तरीके से और कुसाजू का मतलब अस्त व्यस्त। तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है बुरी तरीके से, इस कलयुग में सब कुछ खत्म हो गया है और भक्ति धारा पर तो कोई बात ही नहीं करता है, सब लोग भ्रष्ट हो गए हैं। आगे वो कह रहे हैं कि नीच जन मन ऊंच जैसे कोढ़ में की खाजू। अब वो अपने लिए कह रहे हैं कि मैं तो एक नीच, एक बहुत ही निम्न किस्म का आदमी हूँ, बहुत ही मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, लेकिन मेरी मन की इच्छाएं बड़ी बड़ी हैं, ऊंच है, मतलब इच्छाएं बड़ी बड़ी हैं मेरी। ठीक उसी प्रकार जैसे कोढ़ की खाजू होती है। कोढ़ की खाजू कहने का मतलब क्या है कि जो घाव कोढ़ में बदल जाता है, अगर उस घाव के अंदर खाज खुजली होने लगे, जैसे कि उस घाव के अंदर अगर खुजली हो तो वो कोढ़ को और खराब कर देता है। तो वो कह रहे हैं कि एक तो मेरी स्थिति ऐसी ही दयनीय है, ऊपर से मेरी इच्छाएं इतनी उच्च है, मतलब कि मेरे मन में इच्छा है कि मैं आपको पालूं प्रभु, जबकि मैं एक नीच आदमी हूँ। यह ठीक उसी तरीके से है, कोढ़ के अंदर किसी घाव के अंदर खाजू होता है, उस घाव को और खराब कर देता है। तो अगर मैं आपको नहीं पाऊंगा तो इस कलयुग में मेरी स्थिति और खराब हो जाएगी, एक पहले ही ये कलयुग बहुत ही भयावह है। वो ऐसा जिक्र कर रहे हैं भगवान के सामने, उनको पाने के लिए, भगवान के दया का पात्र बनने के लिए वो ऐसा कह रहे हैं कि कलयुग में सब लोग तरीके से देखा जाए तो भ्रष्ट हो गए हैं, यहाँ पे कोई आपको याद नहीं करता, लेकिन मेरी मन में एक आकांक्षा है, इच्छा है कि मैं आपको याद करूँ, आपको पालूँ। हरि हिय में सदस बुयो जाई साधु समाज, महु से कहू कतऊ कोई तिन कहो कोसल राज। तो वो आगे कह रहे हैं कि मैं बहुत हहरी कर रहा हूँ। हहरी का मतलब होता है बहुत डरा हुआ हूँ, हिया का मतलब होता है दिल, मेरे दिल में बहुत ज़्यादा डर है प्रभु। और वो कह रहे हैं कि मैं इस डर को बुझाने के लिए, इस डर को ख़त्म करने के लिए साधु समाज से जाकर के मिलता हूँ, उनसे जाकर के जब मिला तो वे लोग मुझसे कहें कि मऊ कहूँ का मतलब वे लोग मुझसे कहें, मऊ से यानी कि मुझसे वे लोग कहें कि कतऊँ कोई, यानी कि कोई रास्ता नहीं है इस कलयुग में, बस एक रास्ता है और वो रास्ता है
कौशल राजू यानी कौशल्या के जो पुत्र हैं राम, वही बस एक रास्ता है इस कलयुग में। तुम उनका भक्ति करो, उनके शरण में जाओ, तब जाकर के तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तो वही वो कह रहे हैं कि वे लोग तिन्हों कहो का मतलब वे लोग कहें मुझसे कि कोई रास्ता नहीं है, बस एक कौशल्या राजू यानी कि कौशल्या के पुत्र श्री राम ही तुम्हारा कुछ कर सकते हैं, तुम्हारा नया पार करा सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है इस कलयुग में उनके अलावा आपके नैया, आपके जीवन को धन्य बनाने के, आपके जीवन को ठीक तरीके से बिताने के लिए। तो इस तरीके से वो राम के बारे में बता रहे हैं। आगे वो कह रहे हैं, दीनता दरिद्र दलय को कृपा बारिधि बाजू, दानी दशरथ राय के तू बाइनत सिरताजू। आगे वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, इस मेरे दीनता पे, मेरे इस दुख पे, मेरे इस दरिद्रता पे यानी कि इस गरीबी पे, इस दीनता पे, इस दरिद्रता पे आप कृपा करो। आपके अलावा कौन इसको बाजू कर सकता है, कौन इसको दूर कर सकता है, आप ही दूर कर सकते हैं मेरे। आप अपने कृपा से इस दीनता को, दरिद्रता को खत्म कर सकते हैं। आप तो दानी हैं, दशरथ के पुत्र हैं, हे महादानी दशरथ के पुत्र राम, तू बाइनत सिरताजू, आपके द्वारा ही मेरे मन की बात बन सकती है। मतलब आप ही मेरे इन सारे समस्याओं को खत्म कर सकते हैं, आपके द्वारा ही मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवाजू, पेट भरी तुलसी ही जेवाइये भक्ति सुधा सुनाजू। अब वो आगे कह रहे हैं कि मैं तो जन्म जन्म से भिखारी हूँ प्रभु, भूखा हूँ, मैं तो जन्म जन्म का भूखा हूँ, आपके प्यार का भूखा हूँ प्रभु, आपके कृपा का भूखा हूँ प्रभु, मैं तो भिखारी ही हूँ, और आप तो गरीब नवाज हो, आप तो गरीबों की, दीन दुखियों की मदद करने वाले हो, आप गरीब नवाज हो। पेट भरे ही तुलसी जवाइये, जवाइये का मतलब होता है खाना खिलाना या खाना खाना। तो वो कह रहे हैं कि आप ही इस भूखे भिखारी का पेट भर सकते हैं, इसको जमा सकते हैं, आप ही इस तुलसीदास के मन को, पेट को भर सकते हैं। ये तो जन्म से ही भूखा भिखारी है प्रभु, आप इसको अपने भक्ति रूपी अमृत यानी कि सुधा का मतलब अमृत होता है, अपने भक्ति रूपी अमृत का जो पान है इसको करा दीजिए, आप इसे अपने भक्ति का भोजन करा दीजिए, भक्ति रूपी अमृत पिला दीजिए, तब जा करके ये धन्य हो जाएगा, और मैं इसी का प्यासा हूँ, आपके भक्ति रूपी भोजन का, आपके भक्ति रूपी अमृत का मैं प्यासा हूँ, आप मुझे ये कर दीजिए, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा प्रभु। तो इस तरीके से श्री राम के लिए ये सारी बातें लिखी गई हैं तुलसीदास के द्वारा। आई होप मेरे डियर स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे, तुलसीदास राम के अनन्य भक्त थे, और उनकी जितनी भी रचनाएं हैं राम के आसपास घूमती हैं, राम के बारे में वो बताते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। इस तरीके से इस चैप्टर को हमने कंप्लीट किया, इसके क्वेश्चन आंसर्स और ऑब्जेक्टिव भी आएंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और ऑल क्लिक कर लें ताकि आपको सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। और PDF नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम है अविनाश इंग्लिश। आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और उसमें सर्च कीजिएगा अविनाश इंग्लिश, आपको मिल जाएगा, या मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप उससे जुड़ सकते हैं। आपके मोबाइल में टेलीग्राम ऐप होना जरूरी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद।